पानी की बॉटल्स पर ये लाइन क्यों होती है, कैसे ये आदमी सिर्फ पोछा मारकर 70 लाख रुपए कमाता है, और जूस के ऊपर ये झाग यानी कि फॉर्म क्यों होता है। हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 7, दोस्तों ये एक फैक्ट है कि जो लोग काम में ज्यादा बिजी होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फ्री होने पर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नंबर 6, जब इंसान का जन्म होता है तब उसके पास सिर्फ दो ही टाइप के डर होते हैं, एक ज्यादा आवाज का डर और दूसरा ऊपर से नीचे गिरने का डर। ये दो ऐसे डर होते हैं जो हमें पैदाइश ही मिलते हैं, पर आगे जाकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी डर होते हैं, जैसे कि अंधेरे से, कुत्तों से और भूतों से, ये सारे डर हम खुद ही डेवलप करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। नंबर 5, चाइना में एक प्रथा हुआ करती थी जिसके हिसाब से पहले के लोग डॉक्टर्स को ठीक होने के बाद ही पैसे देते थे। अगर डॉक्टर्स उन पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता था तो फिर डॉक्टर्स को पेशेंट को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन आगे चलकर इस रूल को निकाल दिया गया। नंबर 4, एक इंसान दिन में 14 घंटे जागता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 14 घंटे में से 10% टाइम इंसान की आंख बंद रहती है, क्योंकि 14 घंटे में से 1 घंटे 20 मिनट हम हमारी आंख को ब्लिंक करते हैं। आमतौर पर एक एडल्ट 1 मिनट में 12 बार अपनी आंख ब्लिंक करता है, और एक ब्लिंक के लिए लगभग 0.33 सेकंड्स का टाइम लगता है। नंबर 3, ये फैक्ट काफी शॉकिंग है क्योंकि इसको जानकर आप में से काफी लोग इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो लोग NBA कोर्ट के क्लीनर होते हैं, यानी कि जिनका काम हर मैच के हाफ टाइम में कोर्ट को क्लीन करना होता है, उसकी साल की सैलरी लगभग 60 लाख रुपए होती है, और अगर काम करने वाला एक्सपीरियंस है तो उसे साल के 75 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। नंबर 2, पानी की बॉटल्स पर ये लाइंस क्यों होती हैं? आपने भी इन 3D लाइंस को जरूर नोटिस किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये लाइंस डिजाइन के लिए होती हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं हाँ, ये डिजाइन के लिए भी होती हैं, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और ही होती है। डिजाइन के साथ साथ ये बॉटल को मजबूती देता है, क्योंकि जो बॉटल होती है वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनती और काफी पतली भी होती है। इसी वजह से अगर बॉटल पर ऐसी लाइंस नहीं होंगी तो ये आसानी से मुड़ जाएंगी। इसके साथ ही अलग अलग डिजाइन एक ब्रांड को बाकी ब्रांड से अलग दिखाती है, इसलिए सभी पानी की बॉटल्स पर अलग अलग किस्म की डिजाइन बनी होती हैं, और बॉटल का शेप भी अलग होता है। ये कर्व लाइन वाली बॉटल बहुत ही ज्यादा ग्रिप देती हैं और बॉटल को पकड़ने में आसानी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फैक्ट जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब नंबर 1, जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल का जूस निकाला जाता है तो उसके ऊपर ऐसा फॉर्म यानी कि झाग दिखाई देता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस निकालने के लिए मशीन्स यूज होते हैं वो सब ऑटोमेटिक यानी कि मोटर वाले मिक्सर या फिर जूसर होते हैं। ऐसे में जब जूस निकलता है और मोटर घूमती है तो जूस में बहुत ही ज्यादा हवा मिक्स हो जाती है, और यही हवा इस फॉर्म के क्रिएट होने की वजह होती है। और आपका मिक्सर या जूसर जितना ही पावरफुल होगा यानी कि जितनी स्पीड से घूमेगा उतना ही ज्यादा झाग क्रिएट करेगा। इसीलिए जिस जूस को हाथ से निकाला जाता है उस जूस में बहुत ही कम झाग होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।